आगामी 31 मार्च को ईस्टर जुलूस निकलने वाला है, इसमें क्या कुछ खास है, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जो लोग शामिल होंगे उनके लिए किस तरह का इंतजाम किया गया है? हम मौजूद हैं कैथेड्रल चर्च में, हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे फादर से कि किस तरह से जो जुलूस निकल रहा है वो उसमें क्या क्या खास तैयारियां हैं। सर, जिस तरह से 31 मार्च को जुलूस निकलेगा कैथेड्रल चर्च से, तो क्या कुछ खास तैयारियाँ रखी गई हैं? सबसे पहले प्रशासन से हम लोगों ने परमिशन ली है और उसमें कम से कम 3,000 या 4,000 लोग शामिल होंगे और यह जुलूस जो है सेंट्रल मेथडिस्ट चर्च लालबाग से शुरू होगा। वह शुरुआत में प्रार्थना होगी, कुछ गीत गाए जाएंगे, प्रवचन होगा, उसके बाद बाइबल पर कुछ बाइबल के पाठ को समझाया जाएगा। वहाँ से हम लोग शांतिपूर्वक जुलूस में यहाँ तक आएंगे कैथेड्रल के प्रांगण में। यहाँ दोबारा प्रार्थना होगी, गीत गाए जाएंगे, बाइबल का पाठ होगा, उसके बाद बाइबल के पाठ पर प्रवचन होगा, उसके बाद अंतिम आशीष दी जाएगी और उसके बाद लोगों के लिए जलपान दिया जाएगा, उसके बाद वो अपने अपने घर जाएंगे। जिस तरह से ईस्टर जुलूस हर साल निकाला जाता है, तो इस बार क्या कुछ रखा गया है खास लोगों के लिए? नहीं, ऐसे जैसे हर साल होता है वैसे होता है, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन ईस्टर का जो है, ईस्टर का अर्थ जो है हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान को मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ क्रूस पर अपनी जान नहीं दी, लेकिन 3 दिन के बाद वो पुनर्जीवित हो गए। तो ईस्टर का अर्थ है कि प्रभु यीशु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, इसको हम मनाते हैं। भारी संख्या में लोग शामिल होंगे जुलूस में, तो जो लोग शामिल होंगे जो इस जुलूस में, तो किस कहां कहां से लोग आ रहे हैं लखनऊ के? जो हमारे जो मुख्य चर्चेस हैं वहां के लोग आएंगे और बहुत सारे हमारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं वहां के लोग भी आएंगे। वहां के जो पादरी जो हैं वो भी जुलूस का अगुवा करेंगे और उसके बाद हर एक चर्च अपना बैनर लेके चलेगा। लगभग जो लखनऊ में जितने भी चर्च हैं सभी चर्च जुलूस में शामिल होंगे। ज़्यादातर लोग आएंगे, सब तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कम से कम 50-60% लोग इस जुलूस में भाग लेंगे। कितने लोग जुलूस में शामिल हो रहे हैं, कितने पब्लिक आ रही है? करीब 3,000 से 4,000, हम एकदम सटीक ढंग से हमने बताया था इतने लोग आ रहे हैं करके। जो जुलूस निकाला जा रहा है तो कैथेड्रल चर्च से ही शुरू होगा वो? नहीं, वहाँ तो जुलूस तो वहाँ मेथडिस्ट चर्च से शुरू होगा, लालबाग से, सेंट्रल मेथडिस्ट चर्च वहाँ से शुरू होगा। आरंभिक प्रार्थनाएं होगी, प्रवचन होगा, बाइबल पर पाठ होगा, उसके बाद वहाँ से हम लोग शांतिपूर्वक जुलूस के साथ कैथेड्रल के प्रांगण में आएंगे और यहाँ प्रार्थना होगी, बाइबल पर पाठ होगा, प्रवचन होगा, गीत गाए जाएंगे और उसके बाद आशीर्वाद दिया जाएगा सब लोगों को। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल वी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को, जो चर्च आगामी 31 मार्च को जुलूस निकलेगा, इसके बारे में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इतना कि ये जुलूस जो है भाईचारा का जुलूस है, एकता का जुलूस है, ताकि हम लोग सब अपनी विशेषता छोड़कर एक साथ आके हम लोग लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और इसमें हिंदू धर्म के लोग भी आ सकते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी शामिल हो सकते हैं, सब रिलीजन के लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। तो तुम्हारे साथ फादर कैथेड्रल चर्च के, जिन्होंने आगामी 31 मार्च को जुलूस, ईस्टर जुलूस निकलने जा रहा है, उसके बारे में बताया कि तैयारियां हो चुकी हैं, प्रशासन की ओर से भी इनको परमिशन मिल गई। इसके साथ में जो लोग शामिल होंगे, लगभग 3,000 से 4,000 लोग इसमें जुलूस में शामिल होंगे, उनके लिए भी इंतजाम किया गया, खाने पीने की चीज़ें भी रखी गई हैं और जो लोग शामिल होंगे इसके साथ में यहाँ पर जो एक इन्होंने मैसेज दिया है कि भाईचारे का मैसेज कि सभी लोगों के धर्म इस जुलूस में शामिल हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मंत्री वारी वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।